हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपने घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी है लेमन राइस। इसे साउथ इंडियन लैंग्वेज में पुलिहारम भी बोलते हैं। ये बहुत ही क्विक और बहुत ही जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह में घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून उड़द का डाल लिया है, 2 टेबलस्पून चना का डाल लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक लेंगे, कुछ करी पत्ता लिए हैं, साबुत लाल मिर्च लिए हैं 5 से 6, एक नींबू लिए हैं, 1/2 टेबलस्पून सरसों और 1/2 टेबलस्पून जीरा लिए हैं, 5 to 6 टेबलस्पून मूंगफली के दाने लिए हैं, 200 ग्राम्स बॉयल राइस लिए हैं, ये हम लोग को अरवा चावल लिए हैं। हम लोग गैस ऑन कर लेंगे और कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के गर्म होने पर 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे। रिफाइंड ऑयल के गर्म होने पर हम लोग यहाँ पर ही सरसों और जीरा लेंगे। अब हम लोग चना का दाल डाल लेंगे, उड़द का दाल को भी डाल लेंगे और मूंगफली को भी डाल लेंगे। अब हम लोग सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक ये ब्राउन कलर ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्राउन कलर हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर ही लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, कुछ करी के पत्ते भी डाल लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टेबलस्पून हम लोग यहाँ पर ही हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे हमारा राइस में अच्छा कलर आएगा। इसके थोड़े से पकने पर हम लोग यहाँ पर ही बॉइल्ड राइस डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। इसे साउथ में प्रसाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग जर्नी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। अब हम लोग स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। और एक नींबू का रस ले लेंगे, इसे भी डाल लेंगे। तो हमारा पुलिहारम जिसे बोलते हैं, जिसे लेमन राइस बोलते हैं, वो बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। आपको मेरा रेसिपी अगर पसंद आया है तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी तरह बहुत सारा प्यार मेरे चैनल को देते रहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।